2 सितंबर 1984 का वो दिन आज भी हर उत्तराखंड के जहन में ताजा है, जब पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थीं। मसूरी में 2 सितंबर 1994 के दिन में जो हुआ उसके घाव आज भी हर उत्तराखंडी को सन्न कर देते हैं। ये वो दिन था जब शांत वातावरण के लिए मशहूर पहाड़ियों की रानी मसूरी गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठी थी। 2 सितंबर 1994 को राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां बरसा दी थीं। इस गोलीकांड में 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे, जबकि एक पुलिस अधिकारी की भी मौत हो गई थी। ये वो दौर था जब आंदोलनकारी उत्तर प्रदेश से अलग एक पहाड़ी राज्य की मांग कर रहे थे। उस वक्त कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे जैसे नारे हवा में तैर रहे थे। मसूरी गोलीकांड से ठीक एक दिन पहले 1 सितंबर 1994 को खटीमा की सड़कों पर हजारों आंदोलनकारियों का हुजूम उमड़ा हुआ था। सभी की जुबां पर सिर्फ एक ही नारा था, आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। इसी दौरान तत्कालीन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने खटीमा में राज्य आंदोलनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। पुलिस के इस गोलीकांड में पुलिस की गोली से 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। अगले दिन यानी 2 सितंबर इसके विरोध में राज्य आंदोलनकारियों ने मसूरी में जुलूस निकाला। जुलूस मसूरी झूला घर पहुंचा। यहां पर वर्तमान शहीद स्थल पर संयुक्त संघर्ष समिति कार्यालय में सभी प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए थे। तभी अचानक तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोलीबारी इतनी भीषण और आंदोलनकारियों को लक्ष्य बनाकर की गई थी कि इसमें 2 महिलाओं और 4 पुरुष राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए, जबकि कई राज्य आंदोलनकारी घायल होकर जमीन पर तड़पते रहे। पुलिस के इस भयानक गोलीकांड में एक पुलिस अधिकारी की भी मौत हो गई। राज्य आंदोलनकारी आज भी इस काले दिन को याद कर सहम जाते हैं। राज्य आंदोलनकारी ही क्या, पूरा उत्तराखंड आज भी इस काले दिन को भूल नहीं पाया है। मसूरी गोलीकांड की आज 30वीं वर्षी है। इस तारीख के आते ही आंदोलनकारियों और उनके परिजनों का दर्द भी छलकता है। राज्य निर्माण के लिए शहादत देने वाले आंदोलनकारियों को आज पूरा प्रदेश याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। जब मसूरी में आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गईं, मुलायम सिंह यादव तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर कठोर थे। अगर मुलायम सिंह यादव राज्य आंदोलन के खिलाफ नहीं होते तो ना तो खटीमा गोलीकांड होता और ना ही मसूरी और रामपुर तिराहा कांड। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।